चलो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन देखो, जो फ्रिक्शन है उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। जो मैं लिख रहा हूं वो आने वाली शीट में आपको सब कुछ लिखा मिलेगा, तो आपको सिर्फ प्लीज समझना है। तो लिखने वाला पार्ट सब मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाली और असाइनमेंट्स हैं उसमें सब कुछ लिखा होगा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, ठीक। पहला रूल क्लियर है, फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है। दूसरा, इस चैप्टर में जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि एक बॉडी स्लाइड करती हुई आगे जा रही है, तो फ्रिक्शन उसको रोकेगी, अपोज करेगी। और जब हम ये बोलते हैं बॉडी स्लाइड करती हुई आगे जा रही है, तो इसका मतलब यह कि बॉडी घिसटती हुई आगे जा रही है, घिसटती हुई। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि बॉडी रोल करती हुई आगे जा रही है। मैंने नहीं कहा रोल करती हुई, फर्क होता है हर फ्रिक्शन में। तो हम सिर्फ स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे, सरफेस रगड़ती हुई आगे जा रही है। ठीक है, यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जब एक ब्लॉक या कोई भी बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी, जब हम उस पर कोई फोर्स लगाएंगे, तो उस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके ऊपर कहां एक्ट करेगी? और मान लो ग्राउंड में अब फ्रिक्शन प्रेजेंट है। हमने आज तक लिया नहीं, हमने कहा कि जब बिना फ्रिक्शन के करेंगे, पर इस बार अब फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो अब यह बताओ कि अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां लगेगी? ऑपोजिट लगेगी। तो अगर बॉडी आगे जा रही है तो फ्रिक्शन ऑपोजिट है, लगेगी किस पे? बॉडी पे कि ग्राउंड पे? हाँ, बॉडी पे लगेगी। तो देखो, मैं ये वेक्टर यहां ड्रॉ कर रहा हूं बॉडी के अंदर, मान लो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एफ, राइट। किसने लगाई ये फ्रिक्शन? ग्राउंड ने लगाई। न्यूटन ने क्या कहा था? थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो अगर ग्राउंड ने इसके ऊपर एफ फ्रिक्शन लगा दी, तो इसने ग्राउंड के ऊपर भी फ्रिक्शन लगानी है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपको ये क्या है? सभी ग्राउंड का अर्थ के ऊपर फ्रिक्शन लग गई, अर्थ को तो फर्क भी नहीं पड़ता, ना पड़े, पर आपको बनाना जरूर है। क्लियर है यहां तक? वो इसलिए जरूरी है, हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। ग्राउंड का क्वेश्चन कौन सॉल्व करता है? कोई नहीं करता। कभी कभी मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसके जिसमें एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है, ये देखो ब्लॉक है और ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है और इनमें फ्रिक्शन है, और ये सरफेस मैं कहूंगा स्मूथ है, अगले लेक्चर में आएगा, और फोर्स मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, आपको क्वेश्चन आएगा फोर्स तो इस पे अप्लाई की, ये कैसे साथ मूव करना शुरू कर दिया, मैं इसको टच भी नहीं किया। अगर ये स्मूथ होगा फिर ये मूव नहीं कर पाएगा, और अगर ये स्मूथ नहीं होगा तो उस केस में फ्रिक्शन हेल्प करेगी इसे आगे मूव करने में। बोलते नहीं रफनेस है तो आगे मूव करेगी। तो मैंने कहा कि मैंने फोर्स इस पे लगाई, तो ये भी तो साथ साथ मूव कर सकता है, तो इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन हेल्प कर रही है आगे मूव करने में। वो कैसे? क्योंकि जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी? पीछे। और बाय रिएक्शन ये नीचे वाली सरफेस को फोर्स कहां देगा? आगे, राइट। सही है ना? तो इसको तो अपोजिंग फोर्स मिल गई, पर इसको इस फ्रिक्शन ने हेल्प किया ये कहां जा सके? आगे। और अगर फ्रिक्शन ना होती तो दोनों वेक्टर नहीं बनते, इसको कोई फोर्स ही ना मिल पाती, तो ये नीचे रह जाता और ये आगे निकल जाता। तो इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम में फ्रिक्शन को इक्वल एंड ऑपोजिट लिया जाएगा। तो ये ना पूछना कि एक ही फ्रिक्शन का वेक्टर ड्रॉ करें, टेंशन की तरह फ्रिक्शन भी इक्वल एंड ऑपोजिट ही एक्ट करेगा। ठीक है यहां तक? तो रूल समझ में आया पहला? तो फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, फ्रिक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगी दो बॉडीज के ऊपर, चाहे ग्राउंड लगे चाहे ग्राउंड ना हो, चाहे ब्लॉक हो ग्राउंड की जगह तो ब्लॉक पे लगा देंगे, ग्राउंड है तो ग्राउंड पे लगा देंगे। कोई डाउट इसमें? फ्रिक्शन होने का रीजन, फ्रिक्शन होने का ये रीजन है कि क्योंकि सरफेस रफ है, रफनेस की वजह से फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ है, बीच में रफनेस है और बॉडी भी रफ है, तो आपस में इंटरलॉकिंग हो जाती है, हम बोलते हैं बॉन्ड बन जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से, तो जिसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। जितनी ज्यादा भारी बॉडी होगी बॉन्ड इंटरलॉकिंग उतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इनको तोड़ना उतना ही मुश्किल है। तभी तो 100 केजी का कोई ब्लॉक हिलाना मुश्किल है, 2 केजी का आसान है, क्योंकि 100 केजी का वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ेगा नीचे की फोर्स बढ़ जाएगी, इंटरलॉकिंग स्ट्रांग हो जाएगी, हिलाना मुश्किल है, और अगर कम वेट होगा तो आसान है। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो फ्रिक्शन होने का रीजन बता रहा हूं साथ साथ।
अब सपोज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोज करो कि एक बॉडी है और फ्लोर पे पड़ी हुई है। इस बॉडी को मूव करवाने के लिए कम से कम फोर्स चाहिए 10 न्यूटन। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक स्टैंड है ये रहा, और मैं इसको हिलाना चाहता हूं 2-4 न्यूटन से, तो ये हिलेगा भी नहीं, 80-70 किलो का है, ये हिल भी नहीं रहा। लेकिन मतलब इसको मिनिमम फोर्स मान लो 10 न्यूटन चाहिए। मैं 1 न्यूटन लगा रहा हूं, हिल भी नहीं रहा। 2 लगा रहा हूं, नहीं हिल रहा। 3 लगा रहा हूं, तब भी नहीं हिल रहा। 4 लगा रहा हूं, तब भी नहीं हिल रहा। थोड़ी ज्यादा फोर्स चाहिए ऐसी, इस ब्लॉक को हिलाने के लिए 10 न्यूटन फोर्स चाहिए। तो ये क्यों नहीं हिल पा, भारी है, भारी है। हल्का होता 2 किलो का तो मूव कर जाता, कि फ्रिक्शन की वजह से नहीं हिल पा रहा। अच्छा, अगर अगर यही लेक्चर स्टैंड पड़ा है 80 किलो का, और नीचे ऑयल गेर दो, बिल्कुल स्मूथ, तो खड़ा ही ना जा सके, इतना स्लिपरी है, तो फिर आप मूव करवा लोगे इसे? 100 किलो का, चाहे 1000 केजी का, तब भी? 2000 केजी का, तब भी? यस, आंसर सही है। क्यों? क्योंकि जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो रोकने वाली कोई फोर्स होगी ही नहीं। ट्रक होगा, ट्रक भी मूव कर जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फ्रिक्शन ही बॉडी को रोक रही है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो बॉडी नहीं रुकेगी। पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक? आगे देखो, ठीक। तो मेरा क्वेश्चन है कि मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की 1 न्यूटन, सबने कहा मूव नहीं करेगा, तो मैंने कहा क्यों नहीं करेगा? बोलते फ्रिक्शन है। मैंने कहा हाँ फ्रिक्शन है, तो बोलो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? बोलो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? कितने लोग बोलते हैं 10 न्यूटन? 10 न्यूटन। कितने लोग बोलते हैं नहीं 10 नहीं, कुछ और आंसर होगा, कुछ और होगा, 10 होगा? ठीक है, मैं बात मान लेता हूं। तो आपके हिसाब से अगर ये बॉडी आगे जाने की कोशिश कर रही है, जा नहीं पा रही, क्योंकि फ्रिक्शन कहां कर रही है? पीछे। कितनी? F। तो ग्राउंड के ऊपर भी फ्रिक्शन, आगे F, राइट? तो आप, आपकी, आपके कहे पे कह रहा हूं, आपने कहा 10 लो, मैंने कहा ठीक है 10 ले लेते हैं। तो आपने कहा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10। फिर न्यूटन की थ्योरी बीच में आ जाती है। न्यूटन कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम एनर्जी बॉडी का, मैंने बना दिया 1 न्यूटन और पीछे की तरफ 10 न्यूटन। न्यूटन कहते हैं पीछे मूव करेगी, क्योंकि बड़ी फोर्स पीछे और आगे की छोटी फोर्स है। ये तो सही हो गया। अगर कोई चीज हिलती नहीं ना, और हिलाने के लिए 100 न्यूटन चाहिए, 1 न्यूटन लगा दो, तो 1 न्यूटन, आपने कहा 100 न्यूटन, तो बॉडी तो पीछे आ जाएगी। मतलब कोई बॉडी हिलती ना हो, छोटी सी फोर्स लगाओ, वो पीछे मूव करेगी, ऐसा तो नहीं होता। बोलो, तो बोलो वैल्यू कितनी होगी? 1 न्यूटन। तो 10 नहीं होगी, तो इसका आंसर यहां पर क्या होगा? सिर्फ 1 न्यूटन होगा, जबकि हिलाने के लिए फोर्स चाहिए 10 न्यूटन। तो याद रखना, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, अपने आप एडजस्ट कर लेती है वैल्यू। तो अगर बॉडी को मूव करवाने के लिए 10 न्यूटन की कम से कम फोर्स चाहिए, और आप अप्लाई करते हैं कितनी? 1 न्यूटन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिकली 1 न्यूटन ही डेवलप हो जाएगी, जो बॉडी को चलने नहीं देगी। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक टेबल बनाता हूं। दिस इज फोर्स अप्लाइड एंड दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये लो। तो बॉडी को मूव करवाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? लेट अस सपोज 10 न्यूटन। मैंने कितनी अप्लाई की? 1 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिकली क्या डेवलप हो जाएगी? 1 न्यूटन, और बॉडी मूव नहीं करेगी। चलो एक काम करते हैं, 2 न्यूटन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन, बॉडी मूव नहीं करेगी। करते करते 3 न्यूटन, 3 न्यूटन, जितनी मर्जी अप्लाई कर लो, 9 न्यूटन, 9 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। अब गेम यहां तक चलेगी बस, क्योंकि बॉडी को हिलाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए थी? 10, और अब आपने कितनी लगा दी? 11 न्यूटन। हाँ, अब बॉडी मूव करेगी, बट 10 न्यूटन तक बॉडी किस पे रहेगी? एट रेस्ट। क्लियर है? रेस्ट पे पड़ी हुई बॉडीज की फ्रिक्शन की फोर्स डिपेंड किस पे करती है? आपने कितनी फोर्स अप्लाई की। अगर आपने 1 की तो 1, 2 की तो 2, 3 की तो 3, 10 की तो 10। तो इस दौरान बॉडी किस पे एट रेस्ट? ये सभी फ्रिक्शंस का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना दो टाइप की हैं, एक स्टैटिक है और एक काइनेटिक है। स्टैटिक फ्रिक्शन तब अपना रोल प्ले करती है जब बॉडी किस पे पड़ी होगी? एट रेस्ट। और काइनेटिक तब रोल प्ले करती है जब बॉडी किस में आ जाएगी? इन मोशन।
अभी तक तो स्टैटिक है 10 न्यूटन तक, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे डिटरमिन करते हैं, जितनी फोर्स अप्लाइड है वही स्टैटिक फ्रिक्शन है। और ये क्या चीज है, दिस इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसका दूसरा नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन एक ही बात है, कोई डाउट इसमें? तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोई डाउट? ठीक, और लिमिटिंग फ्रिक्शन लास्ट वैल्यू है, इसके बाद अगर आपने फोर्स अप्लाई कर दी लिमिटिंग से ज्यादा फिर तो बॉडी मूव करेगी। और मान लो आपने 11 न्यूटन अप्लाई की, आपने 100 न्यूटन अप्लाई की, आपने 1000 न्यूटन अप्लाई की, जितनी मर्जी अप्लाई कर लो, बढ़ाते जाओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब यहां पर जैसे 9.5 न्यूटन एंड सोन, आपको ये क्या चक्कर है, 9.5 को 10 होनी चाहिए थी, क्योंकि बॉडी को हिलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए थी, 10, तो यहां पर 10 होनी चाहिए थी, पर मैंने थोड़ी सी कम कर दी। एक्चुअल में रीजन ये है, खड़ी हुई बॉडी को चलाना मुश्किल है, एक बार बॉडी चल पड़ी तो उसको चलाना थोड़ा ईजी है, उस पर फ्रिक्शन थोड़ी कम लगती है। रीजन, जब बॉडी खड़ी हुई है तो उसके बॉन्ड्स इंटरलॉकिंग एकदम प्रॉपर है, जब बॉडी चल रही है तो बॉन्ड जल्दी जल्दी उतने स्मूथ नहीं बनते जितने रुकी हुई बॉडी के बनते हैं, इसीलिए एक बार बॉडी को चलाना मुश्किल है, चल पड़ी तो फ्रिक्शन थोड़ी सी कम ही मिलेगी। और काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं होती, काइनेटिक फ्रिक्शन एक ही होती है, आप जितनी मर्जी बॉडी को तेज चला लो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल रिमेन सेम। तो जब बॉडी मोशन में होगी, जब बॉडी चलेगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, और वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, और वो वैल्यू कम से कम लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो कम हो जाएगी। और इन फ्रिक्शन का नाम क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है यहां तक? अब ऐसा क्यों होता है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका मैं तरीका बताता हूं। तो पहला लॉजिक समझ में आ गया, दो टाइप की फ्रिक्शन है, एक फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक है और दूसरी काइनेटिक है, पहला रूल हो गया क्लियर। दूसरा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उस पे बॉडी हमेशा रेस्ट पे पड़ी रहेगी, और जितनी भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे वही आपकी फ्रिक्शन है। तो जैसे इस केस में 10 न्यूटन मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है, पर आपने तो 1 न्यूटन अप्लाई किया, तो आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 ना बोले, आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1 ही बोलेंगे, 2 अप्लाई करोगे तो 2 न्यूटन। ठीक है, आता उसके बाद अगर बॉडी चल पड़ी तो काइनेटिक फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी, और काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर एक ही फ्रिक्शन की वैल्यू इसमें हम नोट करेंगे, जो कि क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कांस्टेंट है, और स्टैटिक की वैल्यू से थोड़ी सी कम आंसर आता है। यहां तक क्लियर? हम नेक्स्ट टाइम एक लॉ करेंगे जिसको बोलते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। दो तीन लॉज हैं, उनमें से एक बड़े काम की चीज है। जो लॉ ऑफ फ्रिक्शन या लॉज ऑफ फ्रिक्शन हम करेंगे, उसमें एक लॉ है जो ये बोलता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है किसी भी बॉडी के ऊपर, वो किस बॉडी के वेट के ऊपर तो नहीं बोलना चाहते, जितनी भारी बॉडी होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, वेट नहीं, वेट नहीं होता, इट डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन इट्स नॉर्मल रिएक्शन, वेट नहीं बोलना कभी भी। तो नॉर्मल रिएक्शन क्यों, जैसे अगर बॉडी सीधी प्लेन सरफेस पे है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा इसमें, एमजी, पर अगर इंक्लाइंड प्लेन पे है तो एमजी कॉस थीटा, याद है, चेंज हो जाता है। तो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंडेंट है, तो बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंडेंट है ही है, साथ में डिपेंडेंट है सरफेस की रफनेस के ऊपर, कितनी खुरदरी सरफेस है, जितनी ज्यादा सरफेस रफ होगी फ्रिक्शन फोर्स उतनी ज्यादा होगी, और उस रफनेस के लिए हम टर्म क्या लगाते हैं, म्यू, म्यू इन टू आर, इस म्यू को बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इज कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। जितना भी कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस का ज्यादा होगा, म्यू ज्यादा होगा, उतनी रफनेस ज्यादा होगी, फ्रिक्शन ज्यादा होगी, म्यू कम होगा सरफेस स्मूथ होगी, फ्रिक्शन कम होगी, म्यू जीरो होगा बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस है, जितना मर्जी भारी ऑब्जेक्ट रख लो म्यू जीरो है, रफनेस ही नहीं है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, अब जैसे सपोज क्वेश्चन है, मान लो एक मिनट के लिए इस फॉर्मूले के ऊपर मैंने आपसे यह कहा कि सपोज फ्रिक्शन प्रेजेंट है और यह 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, म्यू की वैल्यू 0.1 है, तो
तो बताओ इसमें फ्रिक्शन क्या होगी? तो कुछ लोग बोले म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, मैंने बोला नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, बोलते हैं कि वेट एट 10 g, नॉर्मल रिएक्शन कितना है r, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम्स r की जगह कितना 10 g, तो कितना 0.1 × 10 × 10, तो आंसर कितना आएगा 10 न्यूटन। तो मैंने पूछा 10 न्यूटन क्या आया, कहते फ्रिक्शन आ गई, एग्री करते हो फ्रिक्शन आ गई। फिर मैंने अगला क्वेश्चन पूछ लिया, वो तो क्या कौन सी फ्रिक्शन आई है तो बता दो, स्टैटिक है काइनेटिक है? अगर स्टैटिक है तो फिर ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू है या ये वैल्यू, मतलब कौन सी स्टैटिक बोलूं कि काइनेटिक बोलूं? बोला स्टैटिक बोलो, भी काइनेटिक क्यों ना बोलूं, रूल तो लॉ फ्रिक्शन तो दोनों के लिए सेम है, चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लो चाहे स्टैटिक निकाल लो, फॉर्मूला दोनों में सेम चलता है। ठीक, तो यहां पर कंफ्यूजन हो जाती है कि पता नहीं लग रहा कि स्टैटिक है या काइनेटिक है, मतलब ये वैल्यू आई है या ये वैल्यू आई है। ये ना देखो 10 आंसर आ गया, इसलिए 10 तो बाय चांस मैच ही कर गया, मैं ना काम करता हूं उसको 100 kg ले लेता हूं यार, 100, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, तो ये 100 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आई, स्टैटिक आई कि काइनेटिक आई पता नहीं। तो इसको और क्लियर करने के लिए याद रखना, जो म्यू की वैल्यू होती है वो दो टाइप से गिवन होती है, म्यू एस और म्यू के, म्यू के ला नहीं गिवन होगा, म्यू एस या म्यू के। म्यू एस का मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के का मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जैसे एक सरफेस है रफ है, इसमें म्यू एस की वैल्यू 0.5 है, म्यू के की वैल्यू 0.4 है, ये बॉडी है 10 kg की बॉडी है, नॉर्मल रिएक्शन कितना है 10 g है, 10 g है। ठीक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना 10 g, म्यू एस 0.5 है इंटू 10 इंटू कितना 10, आंसर क्या आएगा यहां पर 15 न्यूटन। और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन निकालनी है म्यू के, तो म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन तो सेम है, तो 0.4 × 10 × 10 कितना आएगा 14। और एक चीज और बता दूं, म्यू एस की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, म्यू के की वैल्यू हमेशा छोटी होगी। रीजन, क्योंकि अगर म्यू एस बड़ा होगा फ्रिक्शन स्टैटिक ज्यादा होगी, म्यू के छोटा होगा, म्यू के छोटा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ी सी कम आती है। क्लियर है यहां तक? तो म्यू एस बड़ा होता है, म्यू के छोटा होता है, बाय डिफॉल्ट ही है। क्लियर, तो इसमें ये दो वैल्यूज आ गई। तो म्यू एस एफ ऑफ एस का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की ये जो वैल्यू आती है याद रखना, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, यानी कि कौन सी फ्रिक्शन आई, लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाली कि मतलब इस बॉडी को हिलाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए 50 न्यूटन। और मान लो क्वेश्चन आया कि आपने अप्लाई की 1 न्यूटन, तो बोलो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का आंसर क्या मार्क करोगे, आपको वो म्यू के देगा म्यू एस देगा, आपके पास दो दो फ्रिक्शन हैं, लेकिन कहेगा मैंने फोर्स अप्लाई सिर्फ 1 न्यूटन की, तो बोलो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी 1 न्यूटन, क्योंकि बॉडी को हिलाने के लिए क्या चाहिए 50। आपने कितनी अप्लाई की 1, तो आंसर क्या मार्क करेंगे 1। अगर मान लो कहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 50, ये मैक्सिमम वैल्यू आती है, और आपने की 49 न्यूटन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या मार्क करेंगे 49 न्यूटन। और अगर आपने अप्लाई की 50, तो क्या मार्क करेंगे 50 न्यूटन। लेकिन अगर आपने अप्लाई की 500 न्यूटन, अब क्या मार्क करेंगे 40 न्यूटन, क्योंकि अब 500 न्यूटन ग्रेटर देन 50, यानी कि बॉडी 100% क्या करेगी, स्लाइड करेगी। और जब स्लाइड करेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल ही नहीं है इसमें, इसमें किसका रोल है काइनेटिक, तो आंसर क्या मार्क करेंगे फ्रिक्शन का 40। पॉइंट समझ में आया यहां तक? अब यानी कि तीन टाइप के आंसर आएंगे फ्रिक्शन के, पहले आप ये निकालेंगे दोनों, फिर क्वेश्चन पूछने वाला आपको बताएगा नहीं कि कौन सी फ्रिक्शन यूज करनी है, आप अपने दिमाग से सॉल्व करेंगे या देखेंगे क्या मेरी बॉडी चलेगी स्लाइड करेगी, अगर करेगी फिर तो ये फ्रिक्शन यूज करेंगे, अगर नहीं चलेगी तो फिर कितनी उसने फोर्स अप्लाई की 4 न्यूटन, तो 4, 5 की तो 5 वो अप्लाई करेंगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, गारंटेड है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो फ्रिक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, वही पुराने क्वेश्चन है फोर्स के जो हमने किए, एक फोर्स एक्स्ट्रा लगेगी फ्रिक्शन, पर फ्रिक्शन की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है कैसे कैलकुलेट करनी है, जो अगला लेक्चर इसी के ऊपर होगा। और इसमें अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए, किसका, फ्रिक्शन का एंड
फोर्स ऑफ लाइट का, तो हमने क्या देखा, शुरू शुरू में जितनी भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतनी ही फ्रिक्शन आ रही है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। फिर थोड़ी देर के बाद वैल्यू मैक्सिमम आ जाती है, मैक्सिमम का मतलब लिमिटिंग आ जाती है, उसके बाद ये वैल्यू थोड़ी सी नीचे गिर जाती है, और कितनी 9.5। तो इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पहले ये ग्राफ ऊपर जाता है मैक्सिमम वैल्यू, और फिर थोड़ा सा नीचे आता है बिकॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोई डाउट इसमें? अब मैंने आपको इसके बाद कुछ शीट्स दी हैं, और शीट में एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मिली होगी, सिंगल पेज वाली आपको आज दिखाना, वो सिंगल पेज की इंपॉर्टेंट, हाँ नहीं ये नहीं है जिसपे, हाँ ये मिली है, नहीं मिली है अभी, दी नहीं, अच्छा ठीक है। तो एक तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये देना, एक लिस्ट है, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज शीट नंबर 45 या 46 नंबर नहीं पता, उस पर लिखा हुआ है, आप रिसेप्शन में देखेंगे, हाँ एक का नंबर है 45 और एक का 46। तो इसके अंदर जो सिंगल पेज है इस पे ना डेरिवेशंस की लिस्ट है, ये चेकलिस्ट है, आप जो संडे को प्रिपेयर करोगे कि कौन कौन से टॉपिक मेरे हो गए कौन से रह गए, तो एक तो यहां से पता लगता रहता है क्योंकि टॉपिक छूट ना गया हो, ठीक। तो एक तो डेरिवेशंस के नाम है, कौन कौन से डेरिवेशंस आपको करनी है। दूसरा असाइनमेंट नंबर 45 जो है, जिसपे 45 नंबर का प्रिंट आउट जो आपने लिया है, इसमें ना कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं स्कूल लेवल की, स्कूल के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने आपको लिस्ट तैयार करके दी है, संडे तक आपको ये पढ़ना भी है, तो आप गो थ्रू करें इसमें से, और ये इसमें सॉल्यूशन पेस्टेड है, तो आपको थोड़े थोड़े हिंट इसमें गिवन है और आप इसमें से चेक कर सकते हैं। तो संडे का पेपर जब आएगा तो इसमें से करके आना है। ऐसे ही एक और असाइनमेंट है जो मैं नेक्स्ट टाइम दूंगा, अभी और बनती जा रही है, तो वो भी आपको एक आइडिया देंगे कि स्कूल के पेपर्स कैसे आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जो आपने, ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो लेंथ टाइम मेजरमेंट वाली जो शीट थी जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो एक 12 पेज की शीट थी, जो जीरो चैप्टर हमने लास्ट से लास्ट टाइम किया था, ओलिक एसिड, पैरलेक्स मेथड और वो सब जो चीज कर रहे थे, उसका आपका शॉर्ट टेस्ट है, जो जो मैंने करवाया था अंडरलाइन, वो प्लीज पढ़ के आना, क्योंकि आपके स्कूल्स के अंदर वो आने वाला है, और उसका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता लोगों का, वो तो बाय प्रेशर ही उसको करवाया जा सकता है। मैं इतनी हेल्प कर दूंगा कि वो जो लेक्चर है वो आज मैं अपलोड कर दूंगा, अगर किसी को फिर से सुनना है तो वो सुन के उसको गो थ्रू कर ले। जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं है वो प्लीज ऐड करवा लें, जाते हुए नंबर लिखवा दें, अपना ऐड करवा के जाए प्लीज़।